बिलासपुर में रोजगार मेले के सफल आयोजन के बाद समाज सेवी हरीश नड्डा द्वारा स्पोर्ट्स किट वितरण कार्यक्रम का आगाज कुठेरा क्षेत्र में शुरू किया गया, जहां खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया स्लोगन को साकार करने के मकसद से आयोजित स्पोर्ट्स किट वितरण का पहला कार्यक्रम आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुठेरा मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के 101 बूथों में कुल 110 स्पोर्ट्स किट वितरित किए गए। बिलासपुर में रोजगार मेले के सफल आयोजन के बाद समाजसेवी हरीश नड्डा द्वारा स्पोर्ट्स किट वितरण कार्यक्रम का कुठेड़ा से शुरुआत किया गया। खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया स्लोगन को साकार करने के मकसद से आयोजित स्पोर्ट्स किट वितरण का पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुठेड़ा मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के 101 बूथों में कुल 110 स्पोर्ट्स किट वितरित किए गए। किट वितरण कार्यक्रम में बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर मुख्यातिथि व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 1000 के करीब हमारे पूरे चुनाव क्षेत्र से नौजवान यहां पर आए थे, जिनको स्पोर्ट्स किट यहां पर वितरित की गई और यहां पर नौजवानों से आह्वान भी किया गया और के जिस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए नौजवानों को इन्वॉल्व करने के लिए यह किट्स का वितरण भी हुआ और उसके साथ साथ जिस तरह से नशा फैल रहा है, जिस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है, उसी को इसके माध्यम से एजुकेट करने के लिए भी और जिस तरह से पूर्व में नशा का यहाँ कारोबार हो रहा था, हमने चुनाव के दिनों में कहा था कि नशा माफिया दूर करेंगे और नशे को यहाँ से बिलासपुर को नशा मुक्त करेंगे, उस दृष्टि से भी इसमें आज जितने भी नौजवान थे उनको यहाँ से संबोधित भी किया गया और जो नौजवानों के लिए यह स्पोर्ट्स किट दी गई, लोगों नौजवानों में उत्साह भी है, इसका उत्साह भी है और नौजवानों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, एक नशे की समस्या जो हमको दिखती है, हम निरंतर उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से आह्वान है कि उनके हाथ में उनके परिवार का भविष्य है, उनके माता पिता की खुशियां हैं, उनके भाई बहन की खुशियां हैं, तो मेरा सभी युवाओं से यही आह्वान रहेगा कि नशे को अपने जीवन से दूर करें और अपना जीवन किसी नेक कार्य में लगाएं, समाज को उठाने में लगाएं, दूसरे लोगों को ऊपर उठाने में लगाएं, तभी जीवन में उनका जीवन सफल होएगा, तभी उनका इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो सफल हो पाएगा। नशे से हमारे युवा भटकते जा रहे हैं, जिसके कारण समाज को और सभी के परिवारों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और मेरा आग्रह है कि मेरे सभी युवा साथी खुद भी इससे बचें और अपने साथियों को भी इससे बचाने का प्रयास करें और सभी युवा एक साथ मिल के आगे बढ़ें, ताकि हम आदरणीय मोदी जी के एक यशस्वी भारत और एक बढ़ते हुए भारत का और यंग भारत का जो सपना है उसको साकार होते हुए देख सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे भी कुछ कार्यक्रम नशा मुक्ति के प्रति और डी एडिक्शन के कुछ कार्यक्रम लेके भी युवाओं के बीच आने का प्रयास करूँगा। चेतना संस्था और युवा मोर्चा के तत्वावधान में यहाँ इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को खेलों के प्रति कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके लिए हरीश नड्डा जी ने जितने हमारे सदर के बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर युवाओं को एक स्पोर्ट्स किट बांटकर, ताकि युवा खेल के प्रति सजग रहें, अपना सर्वांगीण विकास करें। खेलों के माध्यम से हम सब जानते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास होता है। जब एक बार युवाओं को नशे की लत से बाहर कैसे करना, तो उनके लिए कोई ना कोई माध्यम देना पड़ता है। तो इसलिए आज का यह जो कार्यक्रम है युवाओं को मोटिवेशन का है, उनकी मोटिवेशनल आज के इस कार्यक्रम से जो मोटिवेशनल पावर बढ़ेगी, उससे युवा निश्चित रूप से खेलों के प्रति आगे बढ़ेंगे और जब हमारा युवा खेलों के प्रति बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बिलासपुर का विकास होगा और पूरे प्रदेश का विकास होगा, जब युवा राइट डायरेक्शन में राइट समय पर आगे बढ़ेगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।